स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, शरणागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी, स्वागतम गुरुजी, सुस्वागतम गुरुजी। हेलो, आरतीसाठी व्यासपीठावर मी आमंत्रित करतो माजी आमदार माननीय भाऊसाहेब दिलीप वाघ व सौसुचिता ताई वाघ, त्यानंतर या कथेच्या मुख्य यजमान श्रीमती कमलताई पाटील, अलकाताई पाटील, शांतीलाल काकाजी मोर यांनी व्यासपीठावर आरतीसाठी जायचं आहे। त्याचप्रमाणे श्री आणि सौ वामन महादू पाटील सामनेर यांनी व्यासपीठासमोर आरतीच्यासाठी यायचं आहे, व्यासपीठावर यायचं आहे। श्री व सौ वामन महादू पाटील सामनेर व्यासपीठावर यांनी देखील आरतीसाठी जायचं आहे। मोहन बँड यांचे पार्टी मालक आणि सहकारी यांनी देखील आरतीसाठी यायचं आहे व्यासपीठासमोर। ललिताताई पाटील, ललिताताई पाटील यांनी देखील, अंबळनेर यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। त्याच्यानंतर मालूताई अनिल पाटील यांनी देखील व्यासपीठावर यायचं आहे। व्यासपीठासमोर श्री वसव वामन महादू पाटील सामनेर, श्री वसव गणेश नगराज पाटील तारखेडा, श्री वसव प्रशांत नारायण पाटील, श्री वसव सुभाष सोनकुळ सामनेर, श्री वसव मोहन जानकीराम बडगुजर पारोळा, श्री संतोष शेठ सावदा यांनी व्यासपीठासमोर आरतीसाठी यायचं आहे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल पग पंथ खोल सच मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधु पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम शांति 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 बोलिए जगत गुरु क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो राधा रानी की जय हो बाल कृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधे श्याम बैठ जाइए अपने स्थान पर सभी जय श्री राधे राधे सरस्वती नमो तुभ्यम सर्वेभ्यो सर्वदायिनी सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा वरदा भव जिनके मुखारविंद में साक्षात सरस्वती विराजमान है ऐसे हमारे परम आदरणीय पूजनीय वंदनीय गुरुजी जो आपके सामने आज उपस्थित है और आज का पंचम दिवस में हम उनको शतशः नमन करते हैं। गुरुजी ने आश्रम के बाद में वहाँ पर गौशाला का निर्माण किया है और इस गौशाला के अंदर करीबन 280 गायें और बछड़े हैं जिनका पालन पोषण गुरुजी खुद करते हैं, उनकी सेवा भी गुरुजी खुद करते आ रहे हैं। ऐसे गौओं को जिनको गौदान देना है वो भी देकर आप अपना जीवन सफल कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और उन्होंने भी गौ का पालन किया, इसी प्रकार हमारे गुरुदेव जी भी गौ का पालन करते हैं, गौशाला में उनका निर्माण किया है। गुरुजी जब 9 साल के थे जब उन्हें जो एक बात मिली वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी 9 साल के थे और बड़े बड़े प्रकांड पंडित जो मॉरिशस में एक 14 से 15 देशों के प्रकांड पंडित पधारे हुए थे और ऐसे पंडितों के अंदर गुरुजी सिर्फ 9 साल के थे और 9 साल के होने के बावजूद आपके गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती इनके साथ में मॉरिशस में जाने का उन्हें योग आया और ऐसा मॉरिशस में जाने के बाद सबों का वहाँ पर एक बड़ी सम्मेलन लगा था और उस सम्मेलन के अंदर गुरुजी सबसे छोटे यानी 9 साल के थे और जब सबका नंबर होने के बाद में गुरुजी का नंबर आया तो सभी पंडितों ने प्रकांड पंडितों ने दांतों तले उंगलियां दबाई, क्यों कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे वहाँ पर जो कि मंत्र पढ़े और पठन किया जो उनका नंबर उन सभी के 14 देशों के अंदर पहला नंबर हमारे गुरुजी के आया और इसी नंबर के साथ साथ
श्री कृष्ण जी की एक किलो की सोने की मूर्ति तथा 31 लाख रुपए रोक देकर मॉरीशस सरकार ने इनका सत्कार किया है। ऐसे हमारे गुरु जी, कल आपने श्री कृष्ण जी का जन्म देखा, वहां देखकर मुझे याद आया और मैं आपको सुनाया। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे सभी भक्तजनों के लिए करते आ रहे हैं और गौशाला का निर्माण किया है, वहीं पर एक वृद्धाश्रम भी निर्माण हुआ है। इसी के साथ साथ गौशाला हेतु यहाँ पर तुकाराम बन्नू पाटिल 500 रुपए, प्रकाश लक्ष्मण कुलकर्णी 500 रुपए और लक्ष्मण भूषण चौधरी 500 रुपए और संतोष देवराम बड़गुजर 500 रुपए इनकी ओर से गोदान हेतु आया है। बहुत बहुत सबों को धन्यवाद। आप जोरदार उनसे तालियों स्वागत कीजिए और इस पंचम दिवस के अवसर हम गुरु जी के चरणों में चलते हैं। जय श्री राधे राधे। सभी सीधे बैठ जाइए शांति पूर्वक। तहृदयागतेन दर्शनम पुण्यो भवतां ईश्वर। कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर नेत्र बंद हो जाएं और हृदय पटल पर श्री बांके बिहारी का दर्शन हो। शन्नो मित्राह शंबरुण शन्नो भवत्तरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमोभ्याम नमस्ते जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। हाथ जोड़ के बैठिए, भगवान को प्रणाम करेंगे सब लोग। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो, भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। सच्चिदानंद परब्रह्म परम पिता परमात्मा और समस्त भाविक भक्ति माता बहनों और बंधुओं, आज की आरती में पधारे सभी महापुरुष अतिथि के रूप में आए। श्रीमद् भागवत कथा के परम यजमान और सभी श्रोतागण सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं और सबको व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय। राधा रानी की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। पंचम
पंचम दिन भागवत का आज हमारे बीच में है। रोज बहुत सारा आनंद भगवान हमें दे रहे, खुशी आनंद के थोड़ा सा आचमन आज हम और करेंगे। ज्ञान की बात आपके साथ में जोड़ते हुए बड़ा आनंद आता है और उसी ज्ञान की श्रृंखला में आज एक और संदेश आपको भगवान ने भेजा है, वो सुनिए। संसार में सब चीजें, सब पदार्थ, सब वस्तु, सारी कीर्ति बहुत सहज मिलती है और संसार में जो बहुत दुर्लभ से मिलता है, कठिनता से मिलता है, वो यही कार्य है जिसमें आप हर रोज यहां शामिल होते हैं। बड़े बड़े पद, बड़े बड़े गौरव, ज्ञान, विज्ञान लोगों के पास में है, पर ईमानदारी से अगर हृदय पे हाथ रख के देखें तो शांति का बड़ा अभाव है, सुकून नहीं है आदमी के पास में, और जिसके लिए वो हमेशा व्याकुल रहता है, वो यहां पर भागवत के दरवाजे पर मिलता है। अगर यहां कुछ नहीं होता तो आप इतनी भीड़ से यहां उपस्थित नहीं रहते। आपके मन में बहुत पुराने पुराने सवाल हैं जिन्हें कोई पंडित, पुजारी, ज्योतिष वाला भी नहीं छुड़ाता और यहां बिना पूछे प्रवचन सुनकर के वो सवाल छूट जाते हैं। मानो तुम्हारे सबके हृदय का हम जानते हैं, ऐसा आपको लगता है, पर हम सिर्फ भगवान को पहचानते हैं और भागवत को पहचानते हैं, आपको नहीं पहचानते। भगवान और भागवत में जो चीजें हैं वही आपके जीवन में घटती हैं और उन्हीं से शांति अशांति का आभास होता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को खुश करने वाली चीजें हमें जब मिलती हैं तो बड़ा शांति मिलती है। मन बुद्धि के अनुकूल कोई चीज, कोई पद, कोई गौरव, कोई सम्मान हमें नहीं मिलता है तो उसी में हमें बहुत दुख मिलता है। अनुकूल भोजन बनाए माँ, बच्चों को बड़ी प्रसन्नता रहती है, और प्रतिकूल बनाया तो थाली फेंक देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, और वही सब्जी है, वही रोटी है और वही माँ है पकाने वाली। प्रतिकूलता मन के जो विरोध में है, इंद्रियों के जो विरोध में है उसको दुख कहते हैं और इंद्रियों के सहयोग में जो है उसे सुख कहते हैं। इसलिए किसी का नहीं होता ये दुख और सुख, ये सबके पास भागता रहता है। और वास्तव में सुख चाहिए, दुख से परेशान है तो ये मार्ग बहुत सरल है सुख पाने का। दर दर की ठोकरें खा रहे थे समस्त अपने वालों ने हाथ खड़े कर दिए, सबने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। राजा हस्तनापुर के, अर्जुन के पोते, अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए परीक्षित, चारों तरफ से जब दुखों ने घेर लिया, अकाल मौत आ गई, घोषणा कर दी कि मरेंगे 7 दिन में। मरने वाला तो मरेगा पर जो उनके नजदीक वाले हैं वो भी मर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब डॉक्टर घोषणा करता है कि 2 महीने का, 3 महीने का सामान बाकी है, बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब मुश्किल है बचाना, तो जो मरीज को लेके आते हैं वो सारे के सारे रोने लगते हैं। मरीज तब भी धैर्य बांधता है और कहता है अभी भगवान ने जो दिया है भाग्य में था वो मिल गया, क्यों रो रहे हो। पर जो पड़ोसी है, रिश्तेदार है, वो टूट जाते हैं,
और जब सब टूट जाते कोई नहीं दिखाई देता कि ये हमारी मदद करेगा, ये हमारा दुख लेगा, उस समय ये जो सत्संग है, ये भागवत है और ये सत्पुरुष है, साधु है, गुरु है, उस समय वो दोनों हाथ आगे बढ़ा करके सब विपत्ति को धारण करने का निश्चय करता है, एक दुखी व्यक्ति को तारने का निश्चय करता है। आप कितने भी मलमूत्र में बिगड़े हों और बिना अनुमति के गंगा में उतर जाइए, गंगा आपको इनकार नहीं करेगी, वो आपके मलमूत्र से शर्माएगी नहीं, नफरत नहीं करेगी, आपके मलमूत्र को शरीर से साफ कर देगी और उसी गति से बहती रहेगी, न विचलित होगी, न व्याकुल होगी, न घृणा करेगी, न नफरत करेगी। संत हृदय नवनीत समाना, रामायण ग्रंथ कहता है संत हृदय नवनीत समाना। अब नवनीत क्या होता है, बड़ी समझने की बात है। जिस समय गाय बच्चे को जन्म देती है, गाय के हृदय के अंदर जो ममता होती है उसको नवनीत कहते हैं। और बच्चे को जब जन्म देती है उस समय गाय का खुद का मालिक भी गाय के पास आ जाए तो उसे भी मारने को भागती है। कारण गाय को ऐसा लगता है कि मेरी ममता को बांट लेगा, मेरे बच्चे को छू लेगा और मेरे बच्चे के ऊपर मेरे सिवाय किसी का प्यार नहीं होना चाहिए। उस स्थिति को नवनीत हृदय कहते हैं। और जो ममता भरा हृदय है, पवित्र हृदय, वो हृदय होता है संत का हृदय, सतगुरु का हृदय, भागवत का हृदय, भगवान कृष्ण का हृदय, ममता से भरा हुआ है। संसार में कहीं पर भी, कहीं भी कोई भी ठुकराए, संसार में कहीं भी पराजय लगे तो सीधा सतगुरु के चरणों में चले जाइए, आपकी पराजय जीत में बदल जाएगी, सुकून में, शांति में बदल जाएगी। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो सबके घर में होए। औरत ये बाबिलो लोगों के पास भी रहती है, स्त्री अगर कोई घमंड करे कि मेरे पास तो बीवी है तो ये बिल्कुल खोखला घमंड है। तुलसीदास महाराज रामायण में लिखते हैं सुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी पैसा, बेटा बेटी, बीबी बहन, माँ औरत, ये भ्रष्ट से भ्रष्ट प्राणी के घर में मिल जाएगी आपको। अगर कुछ दुर्लभ है जीवन में प्राप्त करना तो वो दुर्लभ क्या है, संत समागम हरि कथा सबसे कठिन है। ये तो जो आप सुन रहे हैं ना, ये सबसे कठिन है। ये आप सबके जीवन में बड़ी मुश्किल से ये उत्सव आया है, बड़ी मुश्किल से। जो इस कथा के यजमान हैं उनका पूरा जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, तब जाके अवसर आया है। संत समागम, संतों का समागम हो, हरि की चर्चा हो, इस समय से ज्यादा पावन और पवित्र समय जीवन में कभी नहीं आएगा। एक साथ जिन्हें संतों के साथ में प्रभु के वचनों को श्रवण किया वो सबसे ज्यादा भाग्य पुरुष है, भाग्य स्त्रियां हैं। क्योंकि दुर्लभम कृतान कर्म भूषणम, सब सरल है, सब सरल है, सब कुछ। अगर थोड़ा अभ्यास किया तो चंद्रमा पर आप में से कोई भी जा सकता है। थोड़ा अभ्यास कर लिया तो कितनी भी तेज धार की नदी में कोई भी तैर सकता है। अगर थोड़ा चातुर्यता धारण कर ली तो कितनी भी जल्दी पैसे वाले हो सकते हैं आप। चातुर्य चाहिए, थोड़ा थोड़ा कितने भी बड़े धनवान हो जाएंगे। और थोड़ी अक्ल हुई तो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपका नाम हो जाएगा। थोड़े थोड़े में हो जाता है यह सब कुछ।
पर साधु का साथ और कथा का श्रवण ये थोड़े में नहीं होता, इसके लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं महाराज। आप हो सकता है बहुत पाप कर रहे होंगे और झूठ बोलते होंगे, आपका संग अच्छा नहीं होगा, आपका खाना पीना अच्छा नहीं होगा, पर आपके पिछले जन्म कम से कम 7 ऐसे निकल गए हैं जिसमें आपने संत सेवा की है, उसका फल मिला है आज आपको कि बुरे होके भी कथा सुनने को मिल रहा है। आप दूध के धुले तो नहीं है ना, आए? आपने न जाने कितनी गलतियां की हैं और ज्ञान अज्ञान में कितने अपराध किए हैं, आपके शरीर में कितने दोष, और फिर भी एकदम सरलता से सिंहासन पर आनंद से अमिन्न भागवत का दर्शन कर रहे महाराज। सारी संपत्ति हस्तिनापुर की संपत्ति विश्व में एक नंबर पे गिनी जाती थी, पूरे विश्व में सम्राट बोले तो पूरे विश्व का शासन करने वाला व्यक्ति सम्राट हुआ करता था। एशिया खंड के जितने देश आते हैं ना, सबके ऊपर जिसका राज्य चलता था उसे सम्राट कहते हैं। हस्तिनापुर के सम्राट का पोता परीक्षित अपनी सारी संपत्ति राज्य पाठ सब दे रहा है और एक चीज मांग रहा है कि कोई मुझे मरने से बचा लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, मुझे मृत्यु से बचाओ। राजा परीक्षित ने जो कहा वो मैं भी करने को तैयार हूं, हाँ ध्यान रखिए आप, अगर मुझे मरण आए तो मैं भी पूरे भारत में जो भी मैंने कमाया है वो सब मैं आपको दे दूंगा, पर आप मेरी मौत ले लो और सब धन पैसा ले लो। हमारे हाथ में नहीं है वो, नहीं तो हम इतने वफादार भी रहते हैं कि हम मौत भी ले सकते हैं किसी की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो प्राण दे देंगे तुम्हारे लिए, जान दे देंगे जान, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मेरे से भी अभी तक 1,00,000 लोगों ने बोल दिया होगा गुरुजी आपके लिए हमारी जान नौछावर कर देंगे, हाँ हम आप जो कहेंगे वही कर डालेंगे आपके लिए, पर आप हमारे हो जाओ, आप जो कहेंगे हम वही कर देंगे। बहुत लोग मिले ऐसे वफादार, पर अपने हाथ में नहीं है, कब्जे में नहीं है ये बात, ये सब परमात्मा के हाथ की बातें हैं। जन्म मरण हान लाभ अपयश विधि हाथ, कोई यश पा गया कोई अपयश पा गया, हाँ कोई लाभ व्यन्वित हो रहा है कोई हानि से परेशान है, ये सब ईश्वर के हाथ में, किसी का आज मरण हो गया कोई आज पैदा हो गया, ये सब भगवान के हाथ में है। हम में से तो कोई नहीं मरना चाहता ना, मैं जो मरना चाहता हाथ खड़े कर दो मेरे पास टिकट है। अरे एक को भी नहीं मौत अच्छी लगती, अरे सब तो कमर दुख रही है, इतनी इतनी गोलियां खाते हो मरना ही भला है, एक आध तो हाथ खड़ा करो। नहीं महाराज गोलियां तो 8 और बढ़ा दीजिए पर हम तो रहेंगे यार। तुम बड़े भोले हैं, सुनो मरने का फायदा, मरने का फायदा यह है कि अपने हाथ से मलमूत्र साफ नहीं करना पड़ता, मलमूत्र साफ करने वाली माँ मिल जाती है मर के, ऐसे रहोगे तो खुद ही धोना पड़ेगा रोज, और मर गए तो तैयार मिलेगी एकदम 25 साल की सुंदर सी, हा? जो तुम्हारे मलमूत्र धोने के लिए रेडी है, मंदिरों में जा रही है कह रहे भगवान मुझे बच्चा दे दो बच्चा दे दो, किसके लिए मलमूत्र धोने के लिए तरस रही है, हा? नाक पहुंचेगी तुम्हारी चम्मच से पिलाएगी दूध, जितनी बार करना है करो बिस्तर गंदा, तैयार बैठी है माँ तुम्हारी। तो मरने से क्यों डरते हो यार, हा? रेडी रहो, मर के कहाँ जाएंगे, कल तो भजन में बताया था ना कुछ मरता ही नहीं तो मरने से क्यों डरते हो। ये प्रपंच ये तृष्णा जो देख रहे हो, जिससे मन जुड़ गया है, बुद्धि जुड़ गई है, इंद्रियां जुड़ गई हैं, रसना जुड़ गई है, तृष्णा जुड़ गई है, इच्छाएं जुड़ गई हैं, मोह बढ़ गया है, अनुराग बढ़ गया है, ममता बढ़ गई है, ये छोड़ने में पीड़ा होती है, मरने में कोई पीड़ा नहीं है। हाँ
अगर कोई कहे महाराज हम मरना चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाते पोते ये सब हमारे साथ भेज दो आप, हम अभी मर जाएंगे। इनसे बढ़िया परिवार मिल जाएगा और सारे लोग नौजवान मिलेंगे, सब सेवा करने वाले मिलेंगे। अभी तो देखिए आप जितने भी नर नारी बैठे हैं जिनकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है, अभी वो धरती पे ज्यादा काम के नहीं है। और जिनके घर में औलादें बड़ी बड़ी हो गई हैं, शादी वाली हो गई हैं, बच्चे हो गए और पति बन गए, कोई बहू बन गए, इस घर में इस प्रकार का माहौल है, उस घर में तो बूढ़े की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। और दूसरे घर में जहाँ पर नई बहू आज ही आई है वहां पे सास को आशा लगी है कि अब तो 9 महीने में पोता आएगा आएगा, हे भगवान जल्दी से झोली भर दो, अरे जल्दी भला करो। तो मैं तो कहता हूँ जहाँ लोग तुमसे बोर हो गए वहां से निकलो, और जहाँ लोग तड़फ रहे वहां जाओ, ना तो मरना है और ना जन्म लेना है, खाली परिवर्तन करना है। स्थाने गतम दर्शनम भावेत गता शरीरम उपान प्राणो भवताम, प्राण थोड़ी मरता है कभी, प्राण तो खाली शरीर बदलता है, चोला बदलता है। अच्छा बताओ आप सुबह नहाए बाथरूम में तो आप कोई बदल गए क्या, खाली कपड़े तो बदले, ऐसे मर के थोड़ी कुछ बदलता है, खाली कपड़ा बदल जाता है। पहले लंबी नाक थी अभी थोड़ी सी चपटी सी हो गई है, इतना फर्क हो गया। पहले कमर पे ज्यादा मान लगाया भगवान ने, अभी कमर पे से थोड़ा कम कर लिया, तो कुछ अलग नहीं किया है, खाली सामान भगवान जो है कम ज्यादा इधर उधर। और आदमी एक ही कितने घर बनवाए, जैसे हमारे बिल्डर्स लोग रहते हैं कॉन्ट्रेक्टर लोग, ये रोज नई बिल्डिंग बनाते हैं, पर हर बिल्डिंग का नया नक्शा होता है इनका, हर जगह किचन बदल देते बाथरूम, ऐसे ही हमारा भगवान बदलता है, नाराजी का कोई विषय नहीं है। इसीलिए कुछ चीजें जीवन में सत्संग में सीखने जैसी है। आज एक चीज गांठ बांध के ले जाओ, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये तो भाग्य से मिलता है, ये किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, ये कृपा से मिलता है। जब तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई तो ये मिलेगा आपको सत्संग, और सत्संग के साथ में संत दर्शन भी हो जाए तो अद्भुत जीवन हो गया अपना। आज का दिन एकदम सबसे बढ़िया है, शुभ दिन जाएगा। और आप एहसास करिए अंदर से, आप जब तक इस पांडाल में नहीं आते तब तक का समय, और जब इस पांडाल में आते हैं तब से शुरू हुआ समय, दोनों में कितना अंतर आ जाता है। आपकी बगल में किसी को उंगली से गुदगुदी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है तो भी दिल हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। और घर में कोई गुदगुदी करे ना तो भी मत फूला सा रहता है, हंसी आती नहीं घर में, घर में गुस्सा आता है। अगर कोई हंसी की बात करे घर में तो गुस्सा आता है, कोई हंसाना भी चाहे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि घर में यही तो प्रॉब्लम है गृहस्थ में, वहां पर झूठ काम करता है, वहां छल काम करता है, वहां कपट रहता है, इसलिए वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती है। और जैसे ही कथा स्थान में बैठते हैं यहां से कपट चला जाता है, झूठ चला जाता है, छल चला जाता है, फरेब चला जाता है, बनावट चला जाता है। और शंभूतम तरश्यतायाम योगश्चैव आसनम, यहाँ जातिवाद नहीं रहता, तुमसे बगल में छूके कौन बैठा है, अरे तुम्हारी कमर से कमर लगा के कौन बैठा है, यहाँ जातिवाद नहीं है। और जहाँ वाद नहीं है वहां विवाद नहीं, ये तो सब वाद का ही तो विवाद है। इसलिए समय बहुत थोड़ा है अपने पास में, उतने समय में नाम कमाना है, धन कमाना है, कीर्ति भी कमानी है, पुण्य कमाना है, और मानव के जीवन को सार्थक करना है, इतना सब काम करना है, बहुत कम समय है।
और देखिए जिसकी भी नैया ज्यादा डामाडोल हो रही हो वो जरूर इंद्रदेव जी के पास आओ। यहाँ बढ़िया नाव चलाना आता है, किनारे तर ले जाने का काम हम करेंगे, खाली आप आइए स्वीकार कीजिए। क्यों, हमारे पास में भागवत है, हमारे पास में भगवत कृपा है, हमारे पास भक्ति है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, विवेक भी है, साधना है, साध्यता है, संयम है, और इतनी सारी चीजें जिसके पास उपलब्ध है वो जिसकी पीठ पे दो बार थप थप हाथ कर देगा फिर उसे जगत में कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, वो खोटा होगा तो भी दुकान पे भाग के चलेगा। हाँ, वैसे खोटे को चला के बताओ, मोहल्ले में नहीं चलता, दुकान तो बहुत दूर है, मोहल्ले पे जाके बंद पड़ जाएंगे आप। इसलिए एक छोटा सा भजन मुझे याद आ रहा है, उसे आपके कानों में डालना चाहता हूं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। धीरे धीरे चलने दीजिए। गुजरात में 14 बरस हो गए भूकंप आया था, मैंने कल लातूर का भी बताया था। 26 फरवरी का दिन, घड़ी में 9:24 हो रहे हैं। हर घर की माँ 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 20 वर्ष के बच्चों को सजाती है और स्कूल में भेज रही है झंडा फहराने के लिए। हर एक माँ ने एक एक महीने परिश्रम किया अपने बच्चों के साथ में, ये गीत गाना, ये तैयारी करो, इसका रिहर्सल करो, और सारे लोग राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ न कुछ मन में सपने लेके झंडे फहराने के लिए स्कूल जाते हैं। और जब 24 मिनट पूरे होते हैं उसके बाद भगवान जब अपनी गति करते हैं तो सारी जितनी माएं हैं कच्छ के, सारी माओं के सपने टूट जाते हैं। एक बच्चे के हाथ में तिरंगा नहीं है, सबके हाथ में मौत है, सब दीवालों के नीचे दबे पड़े। एक ही पल, एक सेकंड लगता है जीवन को खत्म होने में। रात में बैठकर जो सपने सजाते हैं ना, कल के लिए, परसों के लिए, अतरसों के लिए, महीने के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सजाइए, पर उन सपनों में अगर आप खो जाएंगे तो एक दिन कब चलेंगे पता नहीं चलेगा, सपने तो रह जाएंगे। इसलिए इतना सोचो जो पूरा हो सके। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। लोग मर जा चलते चलते,
लोग मर जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएंगे चलते चलते, हाँ समा बुझ जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएंगे चलते चलते, ओ हम तो मर जाएंगे, आए एक घाट से और जावे एक घाट, अपने अपने कर्म से होते बारे बाट, एक ही माँ है एक ही पिता है पर बच्चे अलग अलग हैं। अब ये क्या खेती है पता नहीं, माँ वही है पिता भी वही है खून वही है पर हर बच्चे में अलग गुण आया है, हर बच्चे में अलग से सब कुछ अलग है, ये क्या है प्रभु की माया। हम तो मर जाएंगे चलते चलते, हम तो मर जाएंगे चलते चलते, समा बुझ जाएंगे जलते जलते, हाँ जलते समा बुझ जाएंगे जलते जलते, समा बुझ जाएंगे जलते जलते, समा बुझ जाएंगे जलते जलते, फिर क्या होगा तेरी बंदगी का, फिर क्या होगा तेरी बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, क्या भरोसा, भरोसा, भरोसा। मामा के लड़के के यहाँ ब्याह था और अभी अभी नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के बच्चा शादी में गया है, गया तो बड़ी खुशी था पर पूरा गम लेके आया, सारे संसार को रुला दिया उसने। हादसों में हमने गुजारी है जिंदगी, किनारे पर आए तो हारी है जिंदगी, सब कुछ बस में है अपने, केवल हमारे बस में जो है मौत नहीं है मरण। राजा परीक्षित को किस चीज का गम था, मौत का। सृंगी ऋषि ने राजा को डरा दिया कि तू 7 दिन में मर जाएगा और तुझे सांप डसेगा और ये मृत्यु का जो डर होता है ना ये बड़े से बड़े व्यक्ति को सुधार देता है। एक महिला जिसका पति बड़ा नास्तिक था, उस महिला ने पंडित जी के पास जाकर कहा महाराज अगर आप मेरे पति को आस्तिक बना दें, उसे धर्मात्मा बना दें, सत्संगी बना दें तो मैं आपके ऊपर 125 रुपए चढ़ाऊंगी। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा कि तू तेरे पति को जाके 2 झूठ बोल देना। पत्नी ने कहा कौन सा झूठ बोल दूं? तो तू तेरे पति को जाके कह देना कि तेरे ऊपर 7.5 का चक्कर चल रहा है और 15 दिन में ट्रक से एक्सीडेंट का पंडित जी ने बताया है। औरत ने जाकर पति से कह दिया वही जो बात झूठी थी वो कह दी। जो विश्वास नहीं करता था बाबा फाबाओं पे सत्संग बत्संग मंदिर वंदिर सब चीज को फालतू मानता था, और स्त्री हमेशा साधुओं के पीछे जाती थी सत्संग करती थी मंदिर जाती थी, तो जैसे ही उसने जाके पति से झूठ बोला तो पत्नी की बात पे विश्वास हो गया उसको।
उसे लगा कि रोज बाबाओं के पास जाती है, जरूर सही होगा। पत्नी से कहा कि अब ये जो पंडित जी ने बताया है 15 दिन में जो मेरी मौत आने वाली है एक्सीडेंट सी, अब जो पंडित जी इतना जानता है तो उपाय तो जानता होगा कि बचने का उपाय क्या है। औरत ने आके पंडित जी से कहा, महाराज ऐसे ऐसी बात है और मेरा पति थोड़ा घबरा सा गया है और वो बचने का उपाय पूछ रहा है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अपने पति को कहो कि पंडित जी के यहां पर जो सुबह 5 बजे दरबार लगता है ना, वहां पे सब लोग जाके गीता का प्रवचन सुनते हैं, अगर तुम 15 दिन तक गीता का प्रवचन सुनोगे तो वो तुम्हारी जो दुख घड़ी है वो टल जाएगी। पति देवता इतने बढ़िया हो गए कि प्रसाद वगैरह लेके, दक्षिणा नारियल लेके सब व्यवस्था